आदाब, मैं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मानसिंह खबर। हमारे साथ मेहमान जो है वो तस्लीम रजा खान है और बिहार के चुनावी हालात पर जानने की कोशिश करेंगे। क्या बिहार का रुख होगा, इलेक्शन आ गया है, आप आए हुए हैं दिल्ली से बिहार? मैं बिहार इसलिए आया हूँ कि मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े लोगों को और ज़्यादा पिछड़ा बना दिया है, और ख़ासकर मुसलमानों के बहुत सारे अवकाफ जो इन लोगों के अंडर में हैं उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं पाया, जबकि वो मुसलमानों की जायदाद है और मुसलमानों को ही उसकी देना चाहिए। अब मदरसे के मदरसिन को देना चाहिए, इमामों को देना चाहिए, इमामों की जो हालात है यहाँ पर बद से बदतर है, और दूसरे भी लोग जो हैं वो परेशान हाल है। और जो बिहार के मैंने हालात आकर देखे, मैं आता रहता हूँ बिहार, कई मतलब आया हूँ, बहुत मतलब आता रहता हूँ। इस बार मुझे मौलाना परवेज सिद्दीकी साहब ने जो वो मोर्चा खोला है, तो 2017 से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब लंचिंग वगैरह जब अगर कहीं होती है मुसलमानों की तो वो वहाँ पहुँचते हैं और मजीद बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा है कि 50 अपने कैंडिडेट को उतारिए, ताकि आज नहीं तो कल हमारा उसमें भागीदारी, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे, खुद हम मैदान में नहीं आएंगे, तो दूसरी पार्टियां आज तक हमारा इस्तेसाल करती आई हैं, आइंदा भी वो करती रहेंगी। हमको फ़ायदा पहुंचाने से तो रही, सिर्फ हमारा वोट इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद में खामोश हो जाती, चुप हो जाती है। एंड वक्त पर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये हमको याद करती हैं। ये मैंने ये इनसे कहा है और हम लोग जरूर करेंगे, चाहते यही हैं। अगर किसी से ऐलान हो जाता है तो भी कोई हक नहीं है, ताकि हमारे अपने लोग भी विधानसभा पहुँचे और हमारी अपनी बात कर सकें, अपने समराज चाहे वो दलित की हो, चाहे मुस्लिम की हो, पिछड़े लोगों की वो बात कर सकें, हमारी यही।